धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ संचिता और आज का हमारा गीत है 1966 की फिल्म अनुपमा से। लिरिक्स लिखे हैं कैफी आजमी साहब ने, म्यूजिक कंपोज की है हेमंत कुमार जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी ने। आइए जानें ये गीत किस राग पर बेस्ड है, कौन सी ताल बज रही है इस गीत में और इस गीत के नोटेशंस भी सीखेंगे। आइए सीखें। ये गीत राग खमाज पर आधारित है। जो ताल बज रही है इस गीत में वो है ताल कहरवा। तानपुरा है सी स्केल पर सा प। धीरे धीरे मचल गमरे गरे सा सा सा, ए दिले बेकरार सारे गगरे पमगा, कोई आता है गम पध धप धसा नी सधा, यूं तड़प के ना तड़पा गमरे गरे सा सा सा, मुझे बार बार रे गमारे पमगा, कोई आता है गम पध धप धसा नी सा धनी धा है धनी धा, धीरे धीरे मचल। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं। इस गीत को आपको ताल की 7वीं मात्रा से गाना शुरू करना होगा। देखे कैसे। धागे ना तिनक धीरे धीरे मचल। आइए तबले पर गाएं। धागे ना तिनक धिन, धागे ना तिनक धीरे धीरे मचल, ए दिले बेकरार कोई आ के ना तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके दामन की सासा नीनी सासा खुशबू नीनी सा हवाओं में है, सासा नी सा नी धा धा, उसके कदमों की धनी प प प ध धनी प आहट प प ध फजाओं में है नी प ध प। दोनों लाइंस एक साथ देखें। उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फजाओं में है, मुझको करने दे मसा सा 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 रे रे मामा, करने दे म प प ध ध सोला सिंह ध ध ध ध गार धनी सा, कोई आता है सा 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 नी ध प ध सा नी सा ध। एक साथ देखें। मुझको करने दे करने दे सोला सिंगार, कोई आता है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। सेकंड स्टैंजा की सेम ट्यून है। आइए देखें तबले पर गा के। धागे ना तिनक मुझको छूने लगी उसकी परछाइयां, सही जगह से पकड़ना नेक्स्ट लाइन। धागे ना तिनक दिल के नजदीक बजती है शहनाई,
धड़क धीरे धीरे मचल, ए दिले बेकरार कोई आता है। थर्ड स्टैंजा की सेम ट्यून है, देखते हैं तबले पर। धागे ना तिनक रूठ के पहले जी भर सताऊंगी मैं, जब मनाएंगे वो मान जाऊंगी मैं, दिल पे रहता है ऐसे में कब इख्तियार कोई आता है, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार कोई आता है। आइए जाने राग खमाज का राग परिचय। थाट है खमाज, खमाज थाट में कोमल नी का प्रयोग होता है और राग खमाज में शुद्ध नी और कोमल नी दोनों का ही प्रयोग होता है। जाती है षाडव संपूर्ण, षाडव यानी छे। आरोह में छह स्वर गाए जाएंगे तो कौन सा स्वर है जो वर्जित है? आरोह में रे वर्जित है। अवरोह में सभी स्वर गाए जाएंगे। वादी स्वर जो सबसे ज्यादा गाया और दिखाया जाएगा वो है ग। संवादी स्वर जो वादी स्वर से कम और अन्य स्वरों से ज्यादा गाया और दिखाया जाएगा वो है नी। इन स्वरों पर हम न्यास भी कर सकते हैं, यानी रेस्टिंग प्लेसेस रुक सकते हैं गाते समय, राग विस्तार करते समय। समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर, यानी 9 से 12 बजे रात को। जब आप इस राग को गाएंगे या सुनेंगे या फिर इस राग पर आधारित ठुमरी दादरा इन्हें गाएंगे या सुनेंगे तो आपको वो सबसे ज्यादा मधुर लगेंगी। आइए जाने राग खमाज का आरोह अवरोह और पकड़। तानपुरा है बी स्केल पर सा प सा ग म प ध नी सा। आइए अब देखें इस राग में राग विस्तार किस प्रकार करेंगे, यानी इस राग में स्वरों की चलन किस प्रकार होगी। नी सा ग म ग ग म प म ग रे सा सा ग म प ध प म ग ग म प ध म ग म ग रे सा नी सा ग म प ध नी ध प म प ध म ग नी ध म ग रे सा सा ग म प ग ग म प ध नी सा सा नी रे सा नी ध म प ध ग म प ध नी ध प म ग रे सा। म्यूजिक ध्यान है, मेडिटेशन है, म्यूजिक पूजा है, प्रेयर है, तो फिर जुड़े रहिए म्यूजिक से। इसी तरह सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए गीत के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। नमस्ते।